भिलवाड़ा जिले में स्थित आराध्य स्थल मालासेरी डूंगरी मंदिर के गुर्जर समाज के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल ने शुक्रवार को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि मैंने और मंदिर समिति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के दान पात्र में कोई लिफाफा डाला था। उन्होंने कहा कि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंदिर के दान पात्र में एक लिफाफा डाला गया है जिसमें 21 रुपए मिले हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दौसा और झुंझुनू में काल्पनिक कहानी बनाकर लिफाफे की चर्चा कर दी है। बता दें, प्रियंका गांधी ने दौसा और झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने टीवी पर देखा, पता नहीं सच है या नहीं, पर कुछ समय पहले प्रधानमंत्री देवनारायण जी के मंदिर गए थे, वहां पर उन्होंने एक लिफाफा डाला। जब लिफाफा खोला गया तो उसमें से 21 रुपए निकले थे। बता दें कि 28 जनवरी को पीएम मालासेरी डूंगरी मंदिर गए थे। कहा गया कि दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मंदिर में रखे दान पात्र में एक लिफाफा डाला था। दान पात्र खुलने के बाद उसमें से 3 लिफाफे निकले, एक लिफाफे से 2100, दूसरे से 101 और तीसरे में से 21 रुपए निकले। दान पात्र से लिफाफा निकालने और फिर उसमें से निकले 21 रुपए की पूरी कवायद को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसके बाद पीएम मोदी के लिफाफे से 21 रुपए निकलने की खबर मीडिया और कांग्रेस नेताओं तक पहुंच गई। लेकिन बाद में पुजारी ने इस लिफाफे पर सफाई देते हुए कहा कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी भादवी छठ के मौके पर दान पात्र खोला गया था जिसमें लिफाफे और नगद राशि मिली थी। इस दौरान कुछ स्थानीय राजनेताओं ने अफवाह फैलाई कि प्रधानमंत्री की ओर से डाले गए लिफाफे में 21 रुपए निकले हैं। उन्होंने कहा कि मैंने या मंदिर समिति ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। लोग मोदी, मंदिर और सनातन धर्म की छवि खराब करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं और उसी अफवाह को प्रियंका गांधी ने एक कहानी बनाकर सबको सुना दी है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।